हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस में अब हमारे पास लगभग 18 डेज हैं आसपास, पर हम 15 डेज मान लेते हैं कि लगभग 15 डेज हैं, क्योंकि आप लोगों के कल ही 12th के पेपर कंप्लीट हुए हैं, इसीलिए सेशन आज ले रहा हूं मैं। और जो जो आपने क्वेश्चंस भेजे हैं उन क्वेश्चंस के मैं डिस्कशन आपसे करूंगा, और लास्ट 15 डेज आप क्या करें कि आप जेई मेंस फर्स्ट से बेहतर परफॉर्म कर पाए। सबसे पहले तो हम समझें कि जिन्होंने जेई मेंस 1 दिया था उसमें से 72% लोग जेई मेंस 2 दे रहे हैं, यानी अपने स्कोर को अपग्रेड करने के लिए अगेन जेई मेंस दे रहे हैं, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा नहीं पता, पर इस साल तो हमें पता है कि दो बार एग्जाम हो रहे हैं, और दोनों में से जो बेहतर रिजल्ट होगा वो हमारा कंसिडर किया जाएगा एडवांस के लिए। तो नंबर वन थिंग कि आप में से कई लोग इस बात का प्रेशर ले सकते हैं कि हम 1 से बेहतर करें। मैं आपको बोलूँगा, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। जो 1 में आपका स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने मुझे, आप में से कई लोगों ने मुझे यूट्यूब पे मैसेज भेजे, साथ में व्हाट्सएप पे भी मेरे पास मैसेज आए, कई बच्चे ऐसे भी जिनके 250 स्कोर हैं, 200 हैं, 300 हैं, फिर से अपेयर हो रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया हुआ कि सर फिजिक्स में कैसे स्कोर करें, केमिस्ट्री में कैसे करें, ड्रॉपर्स स्टूडेंट के लिए क्या प्लान होना चाहिए। क्योंकि ये सेशन मैं रुका इसलिए था क्योंकि 12th का पेपर हो गए। अब नेक्स्ट 15 डेज क्या करना चाहिए कि हम जेई मेन से बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। ऑब्वियसली अगर आप दोबारा दे रहे हैं, 72% का मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग जेई मेन में दोबारा अपेयर हो रहे हैं, राइट? तो अब क्या ऐसा किया जाए कि हम अपना जेई मेन से 1 से एक ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाए। नंबर वन, पहले ऑनेस्टली जेई मेन्स में जो आपने परफॉर्मेंस दी थी उसका रियल एनालिसिस एक बार फिर करिए। आपने उस समय तो किया होगा, एक बार दोबारा करिए कि क्या क्या मिस्टेक थी उस समय जो आपको इस बार इंप्रूव करनी है। इसके अलावा जो मैंने देख एक बात ऑब्जर्व की, कई लोग ये मानते हैं कि आईआईटी के लिए टफ क्वेश्चन करना जरूरी है, कई सारी गाइड। मैं फिर बोलूंगा कि आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप मिसगाइडेड हैं। सबसे पहले आप चाहे जेई मेन्स 2019-1 की बात करें, 18 की बात करें, 17 की बात करें, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, फंडामेंटल आपके क्लियर है, इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स आपके क्लियर है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज जो आपको वर्क करना है वो क्या करना है वो समझ लीजिए, क्योंकि अगले 15 दिन आपकी इंटायर लाइफ को बदल सकते हैं, एक बहुत अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। इसमें आप में से कुछ लोगों ने जेई एडवांस के लिए भी पूछा कि सर जेई एडवांस की प्रिपरेशन कंटिन्यू करें कि नहीं, उस पर भी मैं आता हूं। तो हम 1 by 1 पूरी बात करते हैं, पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा तो आपके सारे डाउट भी दूर होंगे, नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है वो भी क्लियर होगा, और हर एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। नंबर वन, नेक्स्ट 15 डेज जो बचे हुए हैं, क्योंकि आखिरी के 2-3 दिन पढ़ाई नहीं करनी है, इसलिए मैं 15 डेज ले रहा हूं। नंबर वन, आप कुछ भी नया ना पढ़ें। कुछ बच्चों ने मुझसे स्पेशली पूछा कि सर 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्या 11th को फिर से करना चाहिए। मैं बोलूंगा आपका जो कुछ आपको आज की डेट में आता है उसे रिवाइज करके इंप्रूव करना है, ना कि नया पढ़ने लगना है, क्योंकि नया पढ़ने से हो सकता है जो आता है उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस चला जाए। आपको 3 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मास। 15 दिन है, ऑब्वियसली 15 डेज में अगर आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एवरी डे 5 5 and 5 hours आपको पढ़ना है, यानी आपको हर दिन 15 घंटे की पढ़ाई करना है, और 15 डेज है यानी 225 आवर्स हैं आपके पास, बहुत अच्छा समय है। आप अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करेंगे, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप इस सेशन को याद रखेंगे। जब जेई मेंस के पिछले बार मैंने सेशन लिया था, कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर जो आपने सजेशन दिए थे उनको माना और फायदा मिला। मैंने उस समय भी यही बोला था कि आप अपनी बेस बुक को पकड़ के प्रिपरेशन करिए, और आप फिर वही बोलूंगा कि फिर से मिस गाइड मत दियो। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि सर जैसा एनडीए 1 आया था वैसे ही एनडीए 2 अब हो सकता है, बहुत टफ है, हमारे टीचर्स ने बोला बहुत टफ हो सकता है, पिछली बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे इस बार नहीं होंगे। मैं फिर बोलूंगा इन सब चीजों में मत जाइए। आप अभी भी अपनी बेस बुक एनसीईआरटी या कोई भी जो स्टेट बोर्ड या स्कूल की जो बुक है उसी को आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो बहुत होगा। तो सबसे पहले तो जो जेई मेंस 1 में 8 पेपर थे, आप उन पेपर को निचोड़िए, मतलब उन पेपर को इतना डीप एनालिसिस करिए कि हर एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बने। आप अगर नोटिस करेंगे, कुछ सेशन में लेने वाला उन पेपर्स के भी एक एक टॉपिक के, आप देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हर पेपर में,
आप में से कुछ बच्चों ने ये भी पूछा कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। वैसे मैं बोल दूं कि जेई मेंस में एडवांस में इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं होते, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर टॉपिक को कवर। फिर भी मैं एक बात बताता हूँ, आप अगर नोटिस करेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन पे क्वेश्चंस बहुत आए, हर पेपर में आया, और कुछ में जनरल सॉल्यूशन का आया, कुछ में पर्टिकुलर। उन क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा पेपर करने की जरूरत नहीं है, आप केवल जो अभी पेपर है 8 पेपर है वो, और 2000 चाहे तो 18 के पेपर ले लें, इतने पेपर ही, क्योंकि आपके पास टाइम ही बहुत लिमिटेड है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है। एक पेपर के एनालिसिस में मेरा मुझे लगता है कम से कम कि मैं आपको बोलूंगा जो 1 घंटे का मैथ्स का पेपर है लॉजिकली उसको सॉल्व करने में आपको 4 से 5 घंटे लगना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक क्वेश्चन ही करने, उस एक क्वेश्चन से और सोचना है कि 10 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, यानी एक पेपर का एनालिसिस एटलीस्ट 3 आवर लेगा आपका। 8 पेपर तो आपके पास है, यानी अगर आप लॉजिकली देखो तो आप 10 दिन में पेपर निपटा पाएंगे, 8 पेपर हैं आपके पास। और अगर आप पिछले जाएंगे तो मैं फिर बोलूंगा कि इसलिए 2002 से जाने की जरूरत नहीं है, पहले तो इन पेपर को समझो, इन पेपर को अच्छे से सॉल्व करो। सबसे पहला मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि 2019 में जो पेपर 1, 2, 3, 4 शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 के हैं, उन्हें एक एक बार, मैंने उनके सॉल्यूशन डाले हुए हैं, आप उनको देखो। जब आप देखोगे तो आप समझ आएगा कि आपका सॉल्यूशन अप्रोच सिमिलर है कि डिफरेंट है। सिमिलर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो समझो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मेरा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं 11, 12 के कॉन्सेप्ट से देता हूं। कितने बच्चे हैं वो नीचे लिख देते हैं सर सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, मैं तो पूरे आईटी के क्वेश्चन ले रहा हूं, अपनी तरफ से लिए ही नहीं और पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूं। सिंपल इसलिए लगते हैं क्योंकि मैं सिंपल तरीके से सोचता हूं और वही सिंपल आपको सोचना है। तो वो एक चीज को एनालाइज करना है, वही काम फिजिक्स में, वही काम केमिस्ट्री में करना है। इस समय आपके पास टाइम कम है, आप सबको मैं बोलूंगा कि आप अपनी बेस बुक एनसीईआरटी ले लें, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। अगर आप दूसरे स्टेट के बोर्ड जैसे महाराष्ट्र स्टेट के हो, एमपी के हो सकते हो, यूपी के, तो भी मैं कहूंगा एनसीईआरटी की बुक तुरंत ले लें, अभी इतने दिन में आप वही कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक की भी एग्जाम्पल्स और मिसलिनियस एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करें, कर पाए तो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं वो आप ये करिए कि सपोज आपने 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व किया, शिफ्ट 2 का किया, ऐसे आपने करीब 8 डेज में आपने पेपर सॉल्व करे, या 5 डेज में, राइट, 5 या 6 दिन में होंगे। उसके बाद फिर 2002 से लेके जो 2018 तक के पेपर है उन्हें थोड़ा स्पीड में सॉल्व करिए, बार बार करिए क्वेश्चंस को, आपको फायदा होगा हर टॉपिक की। क्योंकि देखिए 30 टॉपिक मैथ्स में, 30 केमिस्ट्री में, 30 फिजिक्स में, अगर आप हर टॉपिक का एक बेसिक थ्योरी भी रिवाइज कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि समेटने का समय आ गया, फैलाने का नहीं। मैं फिर बोलूंगा कि आपको स्केटर फैलना नहीं है बल्कि अपने आप को समेटना है कि जो आता है उसको हम अच्छा रिवाइज करके अच्छे से ऊपर ले जाएं, ना कि जो नहीं आता उनको भी पढ़ें तो आता है वो भी गए। बहुत ही पॉजिटिव लॉजिकल माइंड से प्रिपरेशन करने का समय है, पेपर वैसा ही आएगा। और एक सेवा मैं बोलता हूँ, टफ आया तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए। मैं फिर से इस बार पेपर के आपको साथ सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, आप मान लोगे कि बिल्कुल पेपर इजी, और वही बात बोलूंगा कि पेपर टफ नहीं होते, सोचने का तरीका टफ और इजी हो सकता है। तो आप नंबर 1 फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के JEE-MAIN 1 के पेपर्स को एक बार फिर से सॉल्व करें। आपने पहले किया था, अभी आपने 12th का एग्जाम दिया है तो आपके पास पिछले 1-1.5 महीने से आप सब्जेक्टिव पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आपको फिर से ऑब्जेक्टिव पे स्विच करना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस ये होता है कि सब्जेक्टिव में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव में मिनिमम स्टेप्स में आप जितनी स्टेप्स कम होंगे उतना आपको फायदा होगा। ड्रॉपर स्टूडेंट को, जो पास आउट स्टूडेंट है, उनको मैसेज देना चाहूंगा, जो बात मैं यहाँ 12th अपेयरिंग के लिए बोल रहा हूँ वही बात आपके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि लास्ट 15 दिन आप सबको यही करना चाहिए। 5 अप्रैल के आसपास आप लोगों को अपनी पूरी पढ़ाई मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए। तो यानी ये 15 डेज में अगर आपने एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करी तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिसगाइड मत होइए, बात दूसरी मत सुनिए, ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट अगर जगह पे पेपर हो रहे हैं मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर पेपर सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अच्छा होगा। आप सबसे पहले तो ये देखो कि 8 के 8 पेपर देखोगे आप, थोड़ा सा टफनेस लेवल में डिफरेंस है सभी में, नो डाउट, पर पेपर ऑलमोस्ट सेम है, कोई 10% टफ है, कोई 10% इजी, ऐसा बोल सकते हो, पर ऑलमोस्ट सेम है सभी में। अगर कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है तो सभी पेपर में, वेक्टर का तो सभी में वेक्टर का, आप देखो कि कॉम्प्लेक्स के हर पेपर में क्या क्वेश्चन आया है, वेक्टर का हर पेपर में क्या क्वेश्चन आया है, 3D का हर पेपर में क्या क्वेश्चन आया है,
बाइनोमियल थ्योरम का हर पेपर में क्या क्वेश्चन आया, उन 8 क्वेश्चन से, अब 8 पेपर हैं तो 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 8 क्वेश्चन से आप समझिए ऐसी चीजें जो वो हर बार पूछ रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। एन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये रिवाइज करिए। और रिवीजन हमेशा बुक बंद करके करिए, बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा रिवीजन होता है बुक बंद करके पहले। और मैं इसके कुछ बिल्कुल आपके साथ क्लासेस लेने वाला, इनफैक्ट हो सकता है लाइव क्लास लूँ आपके साथ, आपको कुछ टॉपिक्स के रिवाइज करवाऊंगा, तो आप समझ में आएगा कि आप क्या क्या चीजें हैं जिसको पहले रिवाइज करना चाहिए। इनडेफिनिट इंटीग्रल के पूरे फॉर्मूले के साथ सारे टाइप्स को कवर करिए, डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करिए। आप देखो हर बार डेफिनेट का क्वेश्चन आया तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक डायरेक्ट अप्रोच होती है, वो करिए। रिडक्शन फॉर्मूले को डायरेक्टली करिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस के लॉजिक समझिए। कोई क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं हुआ, मैंने सारे क्वेश्चन लॉजिक से बताए, वो लॉजिक को देखना, क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो जाए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को समझिए। आप ये जब ऑब्जर्व करेंगे वन बाय वन, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, पेपर फाइव, ये 8 पेपर में प्रोबेबिलिटी के 8 इस पैटर्न के क्वेश्चन आए, राइट? परमुटेशन के इस लॉजिक से आए, बाइनोमियल के इससे आए, सेट के इस तरह से आए, एक्सपोनेंशियल के इस तरह से आए, लाइक दिस। जो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स से एक्सपोनेंशियल लॉजिक के कंसेप्ट काम आते हैं, फॉर्मूले कोई उस पर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, तो आपको समझना है। इंटरकनेक्शन कैसे किया है टॉपिक का, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैलकुलस में किस ढंग से किया, इनवर्स के फॉर्मूले की रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि इनवर्स से अगर अच्छी इनवर्स होती है तो कैलकुलस में स्पीड बनती है। इनवर्स के कौन से क्वेश्चन पूछे, प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, ये छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करिए। और जो बात मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ वही बात फिजिक्स में अप्लाई होती है, वही बात केमिस्ट्री पे अप्लाई होती है। इन 8 पेपर के बाद फिर 2018 से पीछे जाना चालू करो, 18, 17, 16, 15, 14, 13 तक कर लो, 5 ईयर के भी कर लिए तो बहुत होंगे, कोई जरूरत नहीं है उसके अलावा, क्योंकि आपको पेपर सॉल्व करने के साथ साथ जो टॉपिक आते हैं उनकी थ्योरी का रिवीजन भी करना है, उनकी थ्योरी के रिवीजन करने के साथ उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व करना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। करके देखिए, आप देखिएगा कितना अच्छा पेपर जाएगा, जो आपने वन में किया उससे बेटर परफॉर्म करोगे, जो स्कोर आया उससे कई ज्यादा स्कोर आएगा, बिल्कुल मैं श्योर हूं। पर शर्त है कि बहुत ही पॉजिटिव माइंड से, बहुत ही रियल ऑनेस्ट होकर एनालिसिस करें, बिल्कुल ऑनेस्टली, कि आप अपने आप को देखिए कहां पर आपने जनवरी में मिस्टेक की है, अब नहीं करना। कैलकुलेशन मिस्टेक से कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, थ्योरी मिस्टेक से, फॉर्मूले मिस्टेक से, वो सब चीजें, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करोगे, एक अच्छा रिजल्ट की तरफ जाओगे। नेगेटिव थॉट निकाल दो, पिछले पेपर से कहीं स्कोर कम तो नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा तो पिछले का स्कोर ऑलरेडी ज्यादा है, क्या टेंशन है, कुछ भी खोने के लिए है। दूसरी बात, आप में से एक सभी लोगों ने मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं। अगर आपका स्कोर 250 प्लस है, बिल्कुल आप एडवांस की प्रिपरेशन साथ में करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 300 प्लस है तो फिर तो बात ही नहीं, आप जस्ट फॉर पेपर अपेयरिंग के लिए दे रहे हैं, तो डिपेंड ऑन कि आपके स्कोर क्या है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी बात इस पर डिपेंड करती है कि आप पर्टिकुलर किस स्कोर पर हैं। तो अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपके पास आज अच्छा एनआईटी ऑलरेडी है आपके हाथ में, तो आप फिर एडवांस के लिए कर सकते हैं। और अदरवाइज एडवांस और मेंस के लिए फिर मैं बोलूंगा प्रिपरेशन अलग नहीं होती, पेपर का पैटर्न अलग होता है। तो आप मेंस के लिए अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो वो इनडायरेक्टली एडवांस की ही प्रिपरेशन हो रही, क्योंकि मेंस में अच्छा स्कोर होना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंट बिल्ड होने से आप एडवांस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है, ट्वेल्थ के पेपर हो गए, अब ट्वेल्थ में पेपर कैसे हुए ये भी एक क्वेश्चन था कि सर ट्वेल्थ के पेपर में कुछ पेपर अच्छे नहीं हुए, वो सब भूल जाइए, अब ट्वेल्थ के पेपर्स की बात खत्म, जो चीज निकल गई उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप ट्वेल्थ के पेपर की तरफ मूव नहीं करना है, बल्कि अब मूव करना है जेई मेंस को अच्छा करने के लिए। आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जेई मेंस 2 ही पहली बार दे रहे हैं, उन्होंने 1 नहीं दिया था, उन सबको भी यही मैसेज है, क्योंकि अगर आपने 1 नहीं दिया था तो भी 1 के पेपर आपके पास है, IIT ने डिक्लेयर कर दिया, उन पेपर्स को सॉल्व करो, एक्चुअल पेपर को सॉल्व करने के बाद उसको समझ के सॉल्व करो, उनको ऊपरी तरह से सॉल्व नहीं करना। एक क्वेश्चन के साथ मैंने बोला ना कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन के साथ 4 डिफरेंशियल के बनना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स के साथ 4 कॉम्प्लेक्स के 10 क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए कि अब ये पूछ सकते हैं, या इससे ये पूछा जा सकता है, या इससे ये पूछा जा सकता है, या इससे ये, यानी आपको एक ट्री जैसा उस क्वेश्चन को निकालना है कि कैसे इसमें क्या क्या चीजें हैं जो और आ सकती है। अगर ये काम कर लिया आपने 15 डेज में तो मैं श्योर हूं कि आप मैथ्स में 100 प्लस स्कोर करेंगे। यही काम फिजिक्स में करिए, यही केमिस्ट्री में करिए, देखिए आप कैसे नहीं आता 300 स्कोर। और फिर बोलूंगा नंबर की पढ़ाई मत करिए, मत सोचिए कितना स्कोर आएगा, मैं फिर बोलूंगा मेरा कोई प्रेशर नहीं कि 100 नंबर लाना है, 90 नंबर लाना है, 120 लाना है, मेरा प्रेशर है आप अपने आप को बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट की तरफ मूव करें, जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिए। स्कोर विस्कोर छोड़ दीजिए, नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो अपने आप ही स्कोर आएगा। फोकस करिए, पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए, अभी भी रिलेटेड डाउट भेजिएगा, पर्टिकुलर टॉपिक्स बताइएगा, कुछ टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगा,
बट फिर बोलूंगा जो मैंने बात बोली उसको करिए, मोबाइल फोन कम से कम 10 से 12 घंटे बंद रखिए, बहुत अच्छा होगा। मिनिमम यूज करिए, इंटरनेट से ज्यादा दूर रहिए, और हो सकता हो तो एक घंटे फिजिकल एक्सरसाइज जो करिए, स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कोई भी आधा एक घंटे का स्पोर्ट लीजिए, और अच्छी नींद जरूर लीजिए। और लेट नाइट स्टडी करने की जगह मैं बोलूंगा आप स्टडी टाइमिंग ऐसे रखिए, जैसे मॉर्निंग आप 6 o'clock उठे तो 6 to 12 आपने पढ़ा, ऐसे ही आप 6 में 6 घंटे होते, एक घंटा आपका ब्रेकफास्ट हो गया, नहाना हो गया, ये हो गया, फिर 12 बजे के बाद लंच लिया, आधे घंटे का रेस्ट किया, फिर 5 घंटे पढ़ा, 4-5 घंटे, हर 2 घंटे की स्टडी के बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उन 10 मिनट में रिकॉल करिए जो कुछ चीज़ें पढ़ी हैं आपने। ऐसे कुछ एक दो लोगों ने ये भी क्वेश्चन बोला है कि सर याद नहीं रहता, वो उसका तरीका यही कि हर 2 घंटे के बाद ब्रेक लीजिए, ब्रेक में वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी लास्ट 2 घंटे में वो एक ब्लैंक पेज पर लिखिए, अच्छा होगा, ये स्टोर सेव करना है। इवनिंग में पढ़ाई करिए, रात को 11-11:30 बजे तक सो जाइए, 2-3 टाइम नहाने की आदत डालो, 12 से 6 की नींद बहुत अच्छी होती है, एटलीस्ट 6 to 7 hours की स्लीप लीजिए, क्योंकि आप मेंटल वर्क कर रहे हैं तो आपका एक अच्छा रेस्ट होना जरूरी है। दिन में आधे घंटे सोइए, देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसे नहीं आएगी। रात को 3-4 बजे तक जागने के बाद सुबह देर से उठना, उसमें सब टाइम टेबल बिगड़ता है, उससे अच्छा है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल, क्योंकि अभी आपको कहीं कुछ नहीं करना अगले 15 दिन अपनी पढ़ाई के अलावा, ना आपका स्कूल है, ना स्कूल के एग्जाम है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप कहीं अगर टेस्ट सीरीज के लिए जा भी रहे हैं तो मैं बोलूंगा आप समय नहीं, आप 15 दिन सेल्फ कमिट होके सेल्फ तरीके से सारे पेपर्स को एनालाइज करिए, अच्छा स्कोर आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।